नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। सुशांत सिंह राजपूत की फरवरी 2020 में क्या हालत थी, जी न्यूज ने इससे जुड़े दो एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखाए, जिसके बाद ड्रग्स के पाताल लोक में खलबली मच गई है। इस वीडियो से सुशांत सिंह राजपूत पर झूठ फैलाने वालों को इतना डर लग रहा है कि वीडियो पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे क्यों और किन लोगों को जी न्यूज के इन विस्फोटक वीडियो से डर लग रहा है, और बॉलीवुड में ड्रग्स का जो पाताल लोक मौजूद है उनके लिए ये वीडियो कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जी न्यूज के पास ऐसे कई विस्फोटक वीडियोस मौजूद हैं जो सुशांत की मौत के मामले में कई खुलासे कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आरोपी नंबर एक रिया चक्रवर्ती भाईखला जेल पहुंच चुकी है। उनकी ड्रग्स मंडली के कई साथी भी सलाखों के पीछे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ड्रग कनेक्शन क्या है, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन पूरा सच सामने आना अभी बाकी है। क्योंकि बॉलीवुड में सक्रिय ड्रग्स माफिया के जो तार अभी रिया चक्रवर्ती के जरिए एनसीबी के हाथ आए हैं, उसके दूसरे सिरे में एक दो नहीं बल्कि 25 किरदार मौजूद हैं, जिनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और रिया की ड्रग्स मंडली से मिली जानकारी के बाद एनसीबी धीरे धीरे इन किरदारों के करीब पहुंच रही है। हम बिल्कुल सबकी बेल अपोज करेंगे, बहुत क्लियर है। हम जुडिशियल कस्टडी मांग रहे हैं, हम बेल को अपोज करेंगे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पता चल चुकी है कि रिया ने। इस बीच जी न्यूज जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम चला रहा है, वो आपको इस केस में अफवाह और प्रायोजित इंटरव्यू नहीं सिर्फ सच दिखाना चाहता है। और इसीलिए जी न्यूज ने दर्शकों के सामने फरवरी 2020 के दो वीडियो रखे, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत की वो हालत दिखाई दे रही है जिसके लिए लोग रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार मानते हैं। जी न्यूज ने जो वीडियो दिखाया उसे देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। रिया चक्रवर्ती की असलियत दिखाने के लिए लोगों ने जी न्यूज का शुक्रिया भी कहा। I personally appreciate सुदीप चौधरी जी के, उन्होंने ये वीडियो जनता के सामने लाया और उनका पर्दाफाश किया रिया का, एंड आई कम्प्लीटली फील वेरी सैड फॉर हिम, वेरी जेम ऑफ अ पर्सन इज नॉट नो मोर इन दिस अर्थ बिकॉज ऑफ हर। जी मीडिया ने जो दोनों वीडियो हमारे सामने लाया है उससे यह साफ पता चलता है कि रिया सुशांत की हितैषी कभी नहीं हो सकती। देश भर के लोगों ने इस वीडियो पर अपनी अलग अलग राय भी दी। मुझे जैसे लगा कि कैन बी पॉसिबल कि उसे वो ड्रग्स दे रही थी, बट वो जानबूझ के वो ड्रग्स नहीं ले रहा था। वीडियो देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि वो सुशांत को बचा नहीं सक रही थी, वो क्योंकि दवाई देके और ड्रग्स देके उसको मार रही थी। वो आदमी वीडियो तभी बनाता है जब किसी को ब्लैकमेल करना होता है, तो इसलिए मेरा मानना यही है कि रिया चाहती तो कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो उस वीडियो में पूरा डिक्लेयर दिख रहा है कि वो बराबर से कंट्रोल उसको कर रही थी, वो चाहती थी वो ये इसी लाइन में इसी ड्रग के साथ ही वो जिंदगी जीते रहे। देख के ऐसा लगता है कि वो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है उसमें, एंड शी कुड हैव सेव्ड हिम उस टाइम पे। उनको सुधारने की जगह में आप उनका वीडियो निकाल रहे हो एंड देन यू आर पब्लिशिंग इट, ये एक धोखा ही है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ड्रग्स के पाताल लोक के उन किरदारों को बहुत गुस्सा आया है जिनका नाम रिया चक्रवर्ती के बाद एनसीबी की जांच में शामिल होने वाला है, जिनका नंबर रिया चक्रवर्ती के बाद भाईखला जेल पहुंचने वालों की लिस्ट में शामिल होने वाला है। रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली से पूछताछ के बाद एनसीबी ने 25 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करी है जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स के इस पाताल लोक के कौन कौन से किरदार शामिल हैं, इन सब के नाम अब जल्द ही सामने होंगे क्योंकि एनसीबी इन सभी को सम्मन जारी करने वाली है। यानी बॉलीवुड में ड्रग्स की काली कहानी जो अब तक छिपी हुई थी अब जल्द ही सबके सामने होगी। और जो वीडियोज जी न्यूज के पास हैं उनसे ड्रग्स के पाताल लोक के इन किरदारों को भी अब परेशानी हो रही है। देखो इधर देखो ना। अब सवाल उठता है इस वीडियो से ड्रग्स के पाताल लोक के किरदारों को परेशानी क्यों हो रही है? सवाल ये भी उठता है ये वीडियो रिया चक्रवर्ती ने क्यों बनाया? क्या इस वीडियो के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी उठा है, क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी? अगर ये सच है तो उसकी वजह क्या थी?
तो 1+1 तुम्हारे तो 0। नहीं बाबू, तुमने आपको 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है, तुम्हें हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ। इन सारे सवालों के जवाब देने के साथ साथ ड्रग्स के पाताल लोक के 25 किरदारों के लिए जी न्यूज के पास एक बहुत बुरी खबर है। जिन्हें इस वीडियो को देखकर अपने फंसने का डर सता रहा है, वो इस खबर से और परेशान हो जाएंगे कि जी न्यूज के पास इस तरह के कई विस्फोटक वीडियो मौजूद हैं, जो ड्रग्स के पाताल लोक का सच एक एक करके सामने लाएंगे। पापा को भेज दिए। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। एक ऐसा स्टार जिसमें बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बनने की सारी खूबियां मौजूद थी, वो इस वीडियो में असहाय नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद रिया चक्रवर्ती पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो इस बात की गवाही भी दे रहे हैं कि जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने लगाए थे वो बेबुनियाद नहीं थे। एक शानदार सितारा इस वीडियो में बेचारा नजर आ रहा है, लेकिन क्या इस बेचारगी की वजह वो ड्रग्स है जिसे सुशांत को देने के आरोप में रिया चक्रवर्ती आज सलाखों के पीछे है? जी न्यूज के दो वीडियोस में से पहले वीडियो में आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के हाथों में एक किताब है। इस किताब का नाम लोडेड है। इस किताब की लेखिका सारा न्यूकॉम है। ये किताब जीवन में अपने मूल्यों को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने के दर्शन पर आधारित है, जबकि दूसरे वीडियो में सुशांत बैठे हुए हैं और रिया चक्रवर्ती और उनके साथ मौजूद शख्स सुशांत सिंह राजपूत की दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के इन दोनों वीडियोस के विश्लेषण के बाद जो बड़ी बातें समझ में आती हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से खुद के नियंत्रण में नहीं दिखाई दे रहे। बड़ा सवाल यह है कि उस वक्त सुशांत के करीब जो भी लोग थे उन्होंने इसकी चिंता क्यों नहीं की? ये सवाल कई बार सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी उठा चुका है। जब रिया चक्रवर्ती उस पर पूरी तरह अपना कंट्रोल रखती थी, उसकी दवाइयों से लेकर डॉक्टरों तक सारी जानकारी रिया के पास थी और वो सुशांत की हालत से अच्छी तरह परिचित थी, तो वो सुशांत को इतनी बुरी स्थिति में छोड़कर क्यों गए? रिया के हिसाब से भी जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसको हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से वो बदलते जा रही हैं स्टेटमेंट, सारे हम उसको आगे यूज करेंगे। रिया चक्रवर्ती इस वीडियो में कहती हैं, ये वीडियो पापा को भेज दो। पापा को भेज दो। रिया चक्रवर्ती के इस सवाल से ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता को भी शायद सुशांत की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, और सुशांत के परिवार ने भी बार बार यह आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को उसके परिवार से अलग कर दिया था। जब से रिया उनके जिंदगी में आई तब से घबराहट उनको होती थी, जिसको एंजाइटी समझ के परिवार उनको जब भी कुछ मदद करता था, कर सकता था, करता था। उसके अलावा कोई वो डिप्रेशन में है या बाइपोलर है ऐसा कोई एविडेंस परिवार के पास नहीं था, ना ऐसा परिवार को कभी किसी ने बताया। और जहां तक परिवार का, फैमिली वालों का मामला है, उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था एटलीस्ट 2019 तक। अगर कोई उनको ड्रग दिया जा रहा हो उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई और वजह से कोई उनका मेंटल स्थिति में कोई गिरावट आई हो, तो कभी भी रिया चक्रवर्ती ने परिवार के साथ कंफाइड नहीं किया। देखो इधर देखो ना, ये कान में दिखाओ। सुशांत की आवाज लड़खड़ा रही है, उसकी वजह ड्रग्स है या कुछ और, इस पर साफ साफ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस वीडियो में सब कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा। एक ऐसा अभिनेता जिसके अंदर बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बनने की सारी खूबियां मौजूद थीं, शानदार फिजिक, भोला और मासूम चेहरा, बेहतरीन डांसर। तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहां से आगे कैसे खेलूं? प्रभावशाली डायलॉग डिलीवरी। क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। कब तक और कैसे चलेगा सर? एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग।
एक सुपरस्टार ऐसा ही होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर फिल्मों के हीरो सुशांत और असली जिंदगी के सुशांत सिंह राजपूत में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। पापा को भेज दी। फिल्मी दुनिया का सुशांत सिंह राजपूत आत्मविश्वास से भरा एक एक्टर दिखाई देता है, तो पूरे केदारनाथ की बात है। लेकिन इस वीडियो में सुशांत दूसरों के भरोसे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले सुशांत के लाखों फैंस को भी यही लगता है। ये वीडियो सब कुछ जस्टिफाई कर रहा है। जब आप एक इंसान ऐसी हालत में और आप उसका इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम टू अ डॉक्टर और समथिंग कोई उपाय निकाले बिना आप उसका वीडियो निकाल रहे हो, दिस वीडियो क्लियरली जस्टिफाइज दैट। जिस तरह से वीडियो प्रदर्शित कर रहा है शरीर के जो हाव भाव है, उसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो एडिक्शन में रहने के बाद ही कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई काम कर पाता होगा या जवाब दे पाता होगा। सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जाँच देश की सबसे प्रतिष्ठित 3 एजेंसियां कर रही हैं। ये एजेंसियां अब जी न्यूज का वीडियो सामने आने के बाद रिया से सुशांत की इस हालत से जुड़े सवाल भी जरूर करेगी, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को एक एक सच जांच एजेंसियों को बताना होगा। इसके साथ ही इन सवालों का जवाब मिलेगा, सुशांत सिंह राजपूत इस स्थिति तक कैसे पहुंचे, इसके लिए क्या सिर्फ रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है या रिया का रिमोट कंट्रोल भी किसी और के हाथ में था। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.